नमस्कार, मैं देवेंद्र गुसाई, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीरा, प्रतिनिधि के तौर पर आम जनमानस के सामने मैं उपस्थित हूँ। मैं कुछ कार्यवश बाहर आया हुआ था। मुझे अवगत हुआ है कि हमारे ऊपर विभिन्न धाराओं में कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन मुकदमों को देखकर मुझे अपने आप में एहसास हुआ है कि कुछ ना कुछ तो है जिस कारण मेरे पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। जिस दिन से मैं चुनाव मतगणना जिस दिन से हुई मतगणना के बाद मुझे विजयी घोषित किया गया, उसी समय से और आज तक प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फर्जी फंसाने के लिए। ये लोग कहाँ थे जब मैंने नामांकन किया था? मैंने नामांकन किया, फॉर्म खरीदने के बाद 5 दिन की जांच की प्रक्रिया चालू हुई, तब कहाँ थे? तब नहीं पता था कि क्या हुआ है। प्रक्रिया चालू होने के बाद, वैसे फॉर्म को चेक होने के बाद फिर मुझे चुनाव चिन्ह निर्गत किया गया, तब भी कोई आपत्ति नहीं थी किसी को। चुनाव चिन्ह निर्गत होने के बाद मैंने चुनाव प्रचार किया, मतगणना हुई, मतगणना होने के बाद जब मैं विजयी घोषित हुआ, उस दिन भी पूरे समय माहौल इस तरीके से था कि कैसे भी करके हमको सर्टिफिकेट हासिल करना है, क्योंकि तथाकथित लोग जो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, ये लोग कभी अपना सर्टिफिकेट छाप के रखे थे घर पे, लेकिन जनता जनार्दन ने इनको जवाब दिया और जवाब देने के बाद मुझे विजयी घोषित कराया। मैं उन जनता जनार्दन का, देवतुल जनता जनार्दन का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मुझे भी आशा है कि ये जो भी चाहे कर लें, लेकिन आप सब लोग हमारे साथ हैं, मुझे इस चीज़ की विश्वास है। और ये विश्वास मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरा आपके सामने उपस्थित ना होने के कारण आप सब में मायूसी भी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन से इन्होंने मेरे खिलाफ ये झूठ, फर्जी तरीके से झूठ बोलकर, कभी बोले कि वो वोटर लिस्ट में नहीं है, कभी बोले उनका आधार कार्ड नहीं है, कभी बोले उनका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कभी बोले वो गांव में वोटर है, सारे चीज आधार बना बना के जब मैं सारी चीजें प्रस्तुत करता गया शालीनता से, तो इन लोगों को फिर भी चैन नहीं पड़ा और माननीय एडीएम जी द्वारा हमारी जांच की गई। आप सभी लोग विदित हैं, आप सभी लोगों ने देखा है, उन्होंने आकर मेरे एक एक पत्रावली की जांच की। क्या उस समय उनको नहीं लगा कि मैं गलत हूँ?